मानसून सीजन में किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों के साथ उपायुक्त कुल्लू डॉक्टर ऋचा वर्मा ने समीक्षा बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग को आपदा से निपटने के लिए मशीनरी को विभिन्न मंडलों में दुरुस्त कर तैनात करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान लोक निर्माण विभाग को आपदा से निपटने के लिए और नालियों की सफाई करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। कुल्लू जिला में मॉनसून सीजन को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ उपायुक्त ने एक बैठक आयोजित की। इस दौरान उपायुक्त ऋचा वर्मा ने सभी विभागों को स्पेशल टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त कुल्लू ऋचा वर्मा ने बताया कि मॉनसून सीजन में डायरिया रोग फैलने का खतरा बना रहता है, जिससे स्वास्थ्य विभाग सभी घरों में 5 वर्ष आयु तक के बच्चों को ORS के पैकेट पहुँचाएं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में अध्यापकों से कहा जा रहा है कि बच्चों को घरों से उबला हुआ पानी स्कूल लाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि बच्चों की सेहत से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, इसमें सभी अध्यापक व अभिभावक अपनी जिम्मेवारी को समझें। इस दौरान उन्होंने कार्यालयों की टंकियों की सफाई के लिए भी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। इनके लिए पूरे सभी जो भी इसमें विभाग हैं, चाहे वो PWD हो, IPH हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सभी को निर्देश दिए जा चुके हैं। स्पेशल टास्क फोर्स बनाने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। PWD विभाग द्वारा जो उनके ड्रेन्स हैं, कलवर्ट्स हैं, उनकी क्लीनिंग की जा रही है ताकि मॉनसून से पहले वो क्लियर हों। हेल्थ विभाग द्वारा जैसे मॉनसून सीजन में अक्सर देखा गया है डायरिया फैलने के बड़े चांस रहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो भी हमने डायरेक्शंस दे दी हैं। हर एक घर में जो है ORS, जहाँ पे छोटे बच्चे हैं, ORS के पैकेट्स पहुँचाए जा रहे हैं एक स्पेशल अभियान के द्वारा। और साथ ही साथ स्कूल विभाग को और दूसरे विभागों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो जो टैंकियां हैं पानी की वो भी साफ़ करवा लें और उनकी भी चेकिंग करवा लें कि वो पीने लायक अभी उनमें पानी है या नहीं। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।